हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए स्पेन के वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा फीडबैक देंगे, कमेंट में सवाल पूछेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन होगी, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं दोस्तों, पाकिस्तान में इस टाइम स्पेन जो है काफ़ी तादाद में वीज़े दे रहे हैं लोगों को। ऐसा आप लोगों ने वीडियोज़ में भी देखा और आपके जानने वालों ने भी आपको बताया। मेरे खुद के एक दोस्त का वीज़ा लगा है, खाली दो कंट्रीज़ उसने ट्रैवल किए हुए थे उन दो कंट्रीज़ के बिहाफ पे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग पिक करें और उस पर जो इम्प्लीमेंट करें, फिर अप्लाई करें वीज़ा। देखें, अगर आप स्पेन अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये मत सोचें कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी है तो मैं अप्लाई करूं, मेरी इतनी है तो मैं अप्लाई करूं। आप डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दें, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के होंगे तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, आप लोगों ने ये शो कराना है कि आपकी टाइज जो है कंट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली चीज़ जो है उसके अंदर ये भी हो सकती है कि आप मैरिड हैं, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी वाइफ यहाँ पर है। वीज़ा देने वाला ये सोचता है कि यार ये वहाँ जाके स्पेन से वापसी आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा आपके पास फ्लैट, गाड़ी, घर, प्लॉट, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर है, उसके डॉक्यूमेंट अगर उर्दू में उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएं, वो लगाएं अपनी फाइल के साथ। ये भी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टाइज हमेशा देखी जाती है कि बंदा जाके वापसी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जब मेरे दोस्त का दो कंट्री पे वीज़ा लग सकता है, उसने दो कंट्री विज़िट किए हुए थे, तो आप लोगों का क्यों नहीं लग सकता अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही बने हुए। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, आपके अकाउंट में 6 मंथ में कितना पैसा रोल हुआ है और एंडिंग बैलेंस कितना है, पैसा कम हुआ है या बढ़ा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप अभी अप्लाई, अभी आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपने 6 महीने बाद अप्लाई करना है, तो अगर आपके अभी अकाउंट में 2 लाख रुपए, तो आप 6 महीने में अकाउंट इस तरह रोल करें कि आपके 10 लाख 9 लाख हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 16 लाख और 20 लाख पे ही वीज़ा मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट दोनों आपको सहारा देते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। ये बात लाजमी याद रखिएगा कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 50 लाख है और आपके डॉक्यूमेंट जो हैं बिल्कुल ख़राब हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कि आप उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे कि यार पैसा आ रहा कहाँ से, डॉक्यूमेंट जो हैं आपने किसी और चीज़ के लगाएं, तो हर चीज़ का प्रॉपर एक वे है, उसको आपने फॉलो करना है। देखिए, पाकिस्तान से इस टाइम जो है एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि यार मैं 18 दिन हो गए हैं, मुझे अभी कुछ भी पता नहीं चला कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो गया। देखिए, शुरू में स्पेन का वीज़ा लोग अप्लाई कर रहे थे बहुत ज़्यादा तादाद में, नहीं ओपन हुआ था जस्ट, लोग जिनको पता था उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रही है, किसी न किसी से पूछ के लोग करते जा रहे हैं, अप्लाई मिल रहे भी हैं लोगों को। तो इस वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो रश बढ़ गया है। स्पेन एम्बेसी तो अपने लिहाज से डॉक्यूमेंट चेक करेगी, तो आप वेट करें, इंशाल्लाह लगना हुआ वीज़ा तो लगेगा, अगर नहीं लगना हुआ तो डिसाइड नहीं होना यार। देखिए, फ़ाइल अच्छी प्रिपेयर करें, आपकी फ़ाइल अच्छी है तब अप्लाई करें, फ़ाइल नहीं अच्छी तो रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ाइल अच्छी प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगाएं उस पर, उसके बाद फिर अप्लाई करें। देखिए, अभी स्पेन ओपन है, इसके बाद काफ़ी सारे यूरोपीय कंट्रीज़ जो हैं वो ओपन होंगे, तो आप उनकी तैयारी करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फ़ाइल नहीं प्रिपेयर, स्पेन ने ओपन किया है और ये वीज़े दे रहे हैं, तो आप कुएं में छलांग मार दें और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया फिर रिजेक्ट हो गया, फिर सर पकड़ के बैठ गए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, आप डॉक्यूमेंट अच्छी तरह प्रिपेयर करें, बैंक स्टेटमेंट आपकी टैक्स कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग हैं, आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाएं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं। इसके अलावा जो है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है वो प्लस पॉइंट है। और एक दोस्त ने पूछा स्पेन वीज़ा दे रहा कितने दिन का है, तो जितने दिन का आप ट्रैवल प्लान देंगे उतने ही दिन का आपको स्पेन वीज़ा देगा। आप 10 दिन का शो कराएंगे, वो आपको 10 से 12 दिन का वीज़ा देंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आप ट्रैवल प्लान उसी तरह दें। और एक और मेन चीज़ है, आपका ट्रैवल प्लान आइटेनरी जो है
वो आपका मेन किरदार अदा करती है वीज़ा के अंदर। तो आप लोगों ने जो है ट्रैवल प्लान इस तरह बनाने, पाकिस्तान से जाके और स्पेन से वापसी आके पूरा ट्रैवल प्लान इस तरह बनाने के देखने वाला बोले हाँ यार वाकई ये बंदे को नॉलेज है हमारे मुल्क के बारे में, इसने रिसर्च की हुई है, ये इस जगह पर ट्रैवल करेगा इस दिन, और ये एक अच्छे ट्रैवलर की निशानी होती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था। इंशाल्लाह होपफुली जिन्होंने अप्लाई किया है बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, और जिन्होंने नहीं किया तो वो डॉक्यूमेंट अच्छे करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत सारे कंट्रीज़ ओपन होंगे, आप लोग उसमें अप्लाई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आइए तो शेयर कर दें, और इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होते रहेंगे हमेशा। अल्लाह हाफिज़।